बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है 10th क्लास इंग्लिश यूनिट 1 पैराग्राफ नंबर 4 के ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आप सबको जो है ट्रांसलेशन की समझ आ रही होगी, आप सबको उससे फायदा हो रहा होगा। तो आइए ज्यादा वक्त वेस्ट किए बगैर अपनी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। पेज 3 पैराग्राफ नंबर 4। ड्यूरिंग द सर्मन एन अंसारी सीइंग सम मेन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनू थलबा sitting there stood up and pointed toward them and said, during the sermon khutbe ke dauran an ansari, ek ansari ne seen, dekha sab mein kuch logon ko, khutbe ke dauran ek ansari ne kuch logon ko dekha, from the tribe, kabile se, during the sermon khutbe ke an ansari, ek ansari ne seen, dekha sab mein kuch logon ko, during the sermon ek ansari, during the sermon khutbe ke dauran in ansari ek ansari seeing dekh sab mein kuch logon ko, from the tribe, kabile se, aur banu salba kabile ke, khutbe ke dauran ek ansari banu salba kabile ke kuch logon ko dekhkar stood up khada hua and pointed toward them and or pointed ishara kiya toward them unki taraf and said aur kaha unki taraf ishara kiya aur kaha khutbe ke dauran ek ansari बनू थलबा कबीले कुछ लोगों को वहां बैठे देखकर खड़े हो वहां बैठे देखकर खड़ा हुआ उनकी तरफ इशारा किया और कहा ड्यूरिंग द सर्मन एन अंसारी सीइंग सम मेन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनू थलबा सिटिंग देयर स्टूड अप एंड पॉइंटेड टुवर्ड देम एंड सेड खुतबे के दौरान एक अंसारी बनू थलबा कबीले के कुछ लोगों को वहां बैठे देखकर खड़ा हुआ उनकी तरफ इशारा किया और कहा ड्यूरिंग द सर्मन खुतबे के दौरान एक अंसारी ने सीन देखा सब में कुछ लोगों को फ्रॉम द ट्राइब कबीले से और बनू थलबा कबीले के स्टूड सिटिंग देयर वहां बैठे देखकर स्टूड अप खड़ा हुआ एंड पॉइंटिंग इशारा किया टुवर्ड देम की तरफ एंड सेड और कहा खुतबे के दौरान एक अंसारी बनू थलबा कबीले के कुछ लोगों को वहां बैठे हुए देखकर खड़ा हुआ उनके तरफ इशारा किया और कहा और रसूल ऑफ अल्लाह ओ अल्लाह के रसूल और रसूल ऑफ अल्लाह ओ अल्लाह के रसूल और रसूल ऑफ अल्लाह ओ अल्लाह के रसूल Their ancestors, इनके आबाओ अजदाद ने killed, कत्ल किया था, a member, एक फर्द को of our family, हमारे खानदान के, इनके आबाओ अजदाद ने हमारे खानदान के एक फर्द को कत्ल किया था, during the sermon, खुतबे के दौरान an ansari seeing some men from the tribe of banu thalba कबीले के कुछ लोगों को देखकर sitting there वहां बैठे हुए stood up खड़ा हुआ and pointed toward them उनकी तरफ इशारा किया and said और कहा खुतबे के दौरान एक अंसारी बनु सलबा कबीले के कुछ लोगों को वहां बैठे हुए देखकर खड़ा हुआ और उनकी तरफ इशारा किया और कहा ओ मैसेज और रसूल ऑफ अल्लाह ओ अल्लाह के रसूल Their ancestors killed a member of our family. इनके आबाओ अजदाद ने हमारे खानदान के एक फर्द को कत्ल किया था. We appeal, हम दरख्वास्त करते हैं to you, आपसे. हम आपसे दरख्वास्त करते हैं to get one of them. इनमें से एक को hand, हाथी पे लटका दें. In exchange for that, उसके बदले में. हम आपसे दरख्वास्त करते हैं इनमें से एक को उसके बदले में फांसी पर लटका दें वी अपील टू यू हम आपसे दरख्वास्त करते हैं टू गेट वन ऑफ देम हैंग इन एक्सचेंज फॉर दैट इनमें से एक को उसके बदले में फांसी पर लटका दें हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इनमें से एक को उसके बदले में फांसी पर लटका दें The Rasul sallallahu alaihi wa alayhi wa sallam replied. Rasul sallallahu alaihi wa alayhi wa sallam ne jawab diya. The revenge of the father, baap ka badla. Cannot be taken liya. On his son, uske bete se. Baap ka badla uske bete se nahi liya ja
सकता था। रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, बाप का बदला उसके बेटे से नहीं लिया जा सकता। द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, बाप का बदला उसके बेटे से नहीं लिया जा सकता। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ पैराग्राफ, उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।